बिना शपथ हुए मुख्यमंत्री नहीं बना करते, यो हरियाणा है प्रधान, छानी जलेबी भोदिया दान। हाँ देखो ना, किसान जवान पहलवान के मुद्दों का शोर था, लेकिन इसके बावजूद एग्जिट पोल को गलत साबित करके चल गया भाजपा का जोर। अब सवाल ये गुरु, क्या क्या वजह थी कि कांग्रेस की हो गई हार, क्योंकि हरियाणा वाले कह रहे हैं कि यो हरियाणा है, एग्जिट पोल ना चलते यहां पे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे एक्चुअली चौंकाने वाले हैं। सभी एग्जिट पोल के अनुमान गलत हुए हैं। कांग्रेस की एक तरफा जीत की भविष्यवाणियां थी, गलत हो गए। शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे थी, लेकिन फिर पूरा गेम बदला, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया। और हैरानी इस बात की है कि हर आदमी ये मानकर बैठा था कि कांग्रेस जीत रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने को तैयार बैठे थे, राहुल गांधी ने एक दर्जन रैलियां की थी, विजय संकल्प यात्रा चलाई थी, कांग्रेस की ओर से जवान किसान पहलवान की नाराजगी का नैरेटिव चलाया गया था, अग्निवीर को लेकर जबरदस्त विरोध का परसेप्शन बनाया गया था, जंतर मंतर में पहलवानों के आंदोलन, किसानों के प्रदर्शन के भरोसे कांग्रेस ये मानकर बैठी थी कि सारी कहानी पलट जाएगी। लेकिन हरियाणा में जो कुछ हुआ वो शॉक करने वाला था। एक्चुअली मैं हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस को शॉक किया है, बीजेपी के लिए हमने रॉक किया है, लेकिन वजह क्या है वो पांच वजह हम आपको बताएंगे जिनके चलते भाजपा कमजोर होकर मजबूत बनी और कांग्रेस जो जीती हुई लग रही थी वो हार गई। अब सवाल कहां कहां से, पहला जो है वो है कि हरियाणा विधानसभा कुल 90 सीटों में 17 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस बार इन सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुकाबला था, तीसरे किसी की दाल नहीं गली, और 17 में से 9 पर कांग्रेस, 8 पर भाजपा जो है बल्ले बल्ले हो गई। पिछली बार दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के खाते में 4 सीट गई थी, इस बार बीजेपी जो है यहां पलटती हुई नजर आ रही है। दूसरी जो कांग्रेस की सबसे बड़ी हार की वजह है वो है अंदरूनी खेमेबाजी। 3 ग्रुप थे कांग्रेस के अंदर, भूपेंद्र हुड्डा का, कुमारी शैलजा का, और तीसरा गुट था सुरजेवाला साहब का। अब राहुल गांधी ने तस्वीरों में तो तीनों को साथ खड़ा कर दिया था, लेकिन दिल मिले थे शायद नहीं या कहे नहीं। कुमारी शैलजा ने वैसे भी कह दिया था कि हुड्डा साहब से मुलाकात के जमाना गुजर गया। राहुल गांधी ने काले काफी कोशिश की थी सहज करने के लिए, एक रैली में दोनों के हाथ उठाकर भी मैसेज दिया था, कांग्रेस से कहना था कि रिश्ते खराब नहीं है, लेकिन शैलजा और हुड्डा दोनों अलग अलग सीएम पद के दावे कर रहे थे। शैलजा ने तो एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि उनसे आखिरी बार बात कब हुई याद नहीं है। कहा जा रहा है कि खुले टकराव के चलते कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ, ये एक बड़ी कहानी रही। तीसरी बड़ी कहानी आती है जाट वर्सेस अदर कास्ट की। कांग्रेस को कहा जा रहा था कि उसने जाट नेतृत्व को आगे किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान थी, उनके कहने पर ही 72 टिकट दिए गए। ये माना जा रहा है कि इस कमान को संभालने से जाट लॉबी के हावी होने का मैसेज जो है वो चला गया, और इसका नतीजा ये रहा कि अहिरवाल बेल्ट में यादव ब्राह्मण समेत बाकी बिरादरियां जो हैं वो एकजुट होकर बीजेपी के साथ चली गई। करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार जैसे इलाकों में पंजाबी समेत तमाम जो समुदाय थे वो बीजेपी की ओर चले गए। ये एक कहानी जो है ये हुड्डा साहब को लेकर परेशान करने वाली, क्योंकि हुड्डा साहब मान चुके थे कि वो मुख्यमंत्री हैं, शैलजा कुछ भी कह रही है, और अगर 72 टिकट ये जो कहा जा रहा है उन्हें कहने पे दिया गया है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जाट वर्सेस अदर हो गया। सारे यादवों ने भी कहा जा रहा है कि भाजपा को वोट दिया, एक नुकसान जो है वो इनका हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो भाजपा के फेवर में कहा जा रहा है वो है 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने का। बीजेपी ने 6 महीने पहले ही हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदल दिया था। मनोहर लाल खट्टर साहब तकरीबन 9 साल मुख्यमंत्री रहे, 9 साल बाद उन्हें सीएम पद से हटाकर लोकसभा चुनाव लड़ा गया, केंद्र में वो मंत्री बन गए, और राज्य में कमान मिली नायब सिंह सैनी को। नायब सिंह सैनी जिस जाति से आते हैं उस जाति का भी समर्थन बीजेपी को मिला। चुनाव प्रचार से खट्टर साहब को एकदम दूर रखा गया, भाजपा ने खट्टर के चेहरे से जो नाराजगी थी उसे दूर करने की कोशिश की, नई फेस के साथ नई उम्मीदें पैदा हुई और नतीजा भाजपा के पक्ष में। आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीत से पहले जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। कांग्रेस शायद यहां गड़बड़ हो गई, कांग्रेस के नेताओं की अति उत्साह जो है उसने कांग्रेस की धरातल से जमीन थोड़े कमजोर कर दी। भाजपा कमजोर हो रही थी लेकिन धीरे 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 सामाजिक समीकरणों को शांति रही, और ये उनके लिए इंटरेस्टिंग था। जैसे गुरुग्राम में पहली बार ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा गया, महेंद्रगढ़ में यादव को मौका दिया गया, इसके अलावा सैनी गुर्जर यादव समाज के बीच खूब बैठकें हुई। भाजपा ने गैर जाट ओबीसी समुदाय के बीच गोलाबंदी की, और नतीजा कहता है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई।
बीजेपी यहां पर कांग्रेस से आगे निकल गई और अब वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। ये 5 नतीजे हमारी तरफ से थे जिनकी वजह से शायद कांग्रेस की हार हुई है। आपको क्या लगता है, कहां पर कांग्रेस से चूक हुई, कहां पर सियासी जलेबी में कांग्रेस फंसकर उलझ गई और बीजेपी अब जलेबी का स्वाद एंजॉय कर रही है और कह रही है देखो जी जलेबी भगवा है और हरियाणा में तीसरी बार सरकार जो बन रही है वो भी भगवा है।